वैगनआर से कोई भी स्विच करेगा, मैं स्विफ्ट में स्विच हुआ तो भाई मुझे लगता था भाई किसमें आ गया, स्विफ्ट ही अलग ही तरह की गाड़ी होगी, ये पार पार का सिस्टम। अगर मैं हरिद्वार जा रहा हूँ तेरी गाड़ी में और मैं यहाँ लेट के जा पा रहा हूँ, इससे बड़ा बूट क्या चाहिए होगा भाई, 110 किलो का आदमी है, डिग्गी में फिट है। और भाई मारुति अपनी हर गाड़ी में ये चाबी दे रही है, यानी क्या कॉस्ट कटिंग करते क्या नहीं करते, थोड़ी इतनी महंगी गाड़ी कोई बंदा लेगा, अगर उसका टॉप मॉडल भी लेगा तो उसको भी यही बेसिक सी चाबी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं यार इनको कॉस्ट कटिंग करी है इन लोगों ने। बेस वेरिएंट इसका इतना वैल्यू फॉर मनी है ना, मुझे कोई गाड़ी का इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा बेस वेरिएंट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यार आज आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में से, आज अपनी गाड़ी का है भाई पूरा रिव्यू, आपको पूरा रिव्यू दूंगा। तो आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा भाई डिलीवरी का, आपने डिलीवरी का भाई एंजॉय करा तो जरूर बताना ब्लॉग को, ठीक है। और भाई गाड़ी कैसी लगी भाई ये भी जरूर बताना। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ अपनी गाड़ी का फुल डिटेल वॉक अराउंड, ठीक है, सारे फीचर, और मैंने गाड़ी क्यों ली और भाई इसमें ऐसा क्या था और गाड़ी के सेगमेंट में वो चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस पूरी वीडियो में बने रहना। अब आपको दिखाता हूँ गाड़ी, ठीक है भाई। ये खड़ी अपनी गाड़ी, अपनी ये है ग्रैंड विटारा भाई, सिल्वर का कलर है। और भाई कलर बताना, कलर मेरी चॉइस कैसी थी, ये कलर देखो पहले था मेरे पे सिल्वर था वैगनआर में, लेकिन ये थोड़ा सिल्वर हटके है, ठीक है, वो वैगनआर से हटके है, लेकिन ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वाइट देखो, वाइट ना कुछ सम इश्यूज के कुछ इश्यूज थे यार, हमें वाइट इसलिए नहीं मिल पाया, लेकिन वाइट भाई वाइट से मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों यार। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अभी देखो ये पूरी स्टॉक है भाई, इसमें एलॉय व्हील वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉर्मल स्टील रिम है इसमें जो नॉर्मल आते हैं। और अपनी भाई गाड़ी की पूजा भी हो गई थी, आपने पूजा वाला सारा सीन देख लिया होगा, तो मैं आपको पूरे गाड़ी का दिखाऊं यार साइड से। साइड से इसमें क्लैडिंग दे रखी है, देखो छोटी क्लैडिंग है, काफ़ी अच्छी लगती है। ब्रेजा में ना काफ़ी बड़ी क्लैडिंग दे रखे है यहाँ तक, तो वो थोड़ी ना ओवर सी लगती है, तो लेकिन इसमें दे रखी है काफ़ी सही है, ये काफ़ी अच्छे लुक दे रही है भाई। इस गाड़ी के लुक ज़रूर बताना भाई, गाड़ी के लुक्स कैसे लगते हैं आप लोगों को, मुझे इस गाड़ी के लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं। लुक देखो जरा इसके पीछे से भाई, मिनी रेंज ओवर सी लगती है उसके लुक्स भाई, मैं रेंज ओवर से कोई सॉरी इसके लुक भाई कोई रेंज ओवर से कंपेयर करता है, कोई किसी चीज़ से कंपेयर करता है भाई, मुझे तो इसका ही लुक पसंद है, मुझे ऐसा कोई किसी से कंपेयर नहीं करता मैं कि ये किसी गाड़ी से कोई कंपेयर कर रही हो, लेकिन जो है इसका लुक बहुत बेस्ट है। तो भाई बेस वेरिएंट है सिग्मा अपना, कोई क्या हो गया, कुछ चिपका हुआ है ना, ये पेंट तो छूटा हुआ नहीं, ये चला जाएगा कुछ साफ हो जाएगा तो चला। अच्छा भाई मैं खामोखा डर गया। चलो अब मैं आपको एक रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मेरी तो अभी गाड़ी एक ही दिन हुआ है हमें इस गाड़ी को, तो जैसे कि अभी तुम गाड़ी में बैठे भी हो, तुमने डिलीवरी ले भी ली, तो वैगनआर से एकदम ग्रैंड विटारा पे स्विच हो गया कैसा लग रहा है? बहुत अंतर है जमीन आसमान का। कितना अंतर है? स्पेस में काफी ज्यादा है ना, स्पेस भी है, ऊंची भी है, प्रीमियम भी है। तो अमित भी है, अमित यार तुम बताओ, तुम हमारी गाड़ी में बैठे हो और अब इसमें बैठ रहे हो, कितना फर्क लग रहा है? जमीन आसमान का फर्क है, वो भी चलाई है ये भी चलाई है, दोनों में मतलब इसमें अलग ही फील है, बड़ी गाड़ी है इसमें टाइप। हाँ अब हमारे ग्रुप में एक बंदे ने और ली थी है ना, दोनों की चलाई है मैंने, बहुत मजेदार और सेल्स बहुत है इसकी, बहुत तो मतलब ऐसे तुम सेल्स 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 है यार इस समय। मैं मानता हूँ दो तीन गाड़ियों में ज्यादा देखता हूँ, ग्रैंड विटारा हो गई, वो हो गई तुम्हारा ब्रेजा हो गई, और खासकर सिग्मा वेरिएंट की। हाँ सिग्मा वेरिएंट की, क्योंकि यार मोस्टली टॉप मॉडल पे नहीं जाते, क्योंकि मैं एक चीज बताऊँ ना, बेस वेरिएंट इसका इतना वैल्यू फॉर मनी है ना, मुझे कोई गाड़ी का इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा बेस वेरिएंट, मैंने इसलिए इसे उठाया। मुझे मैं जा सकता था भाई क्रेटा पे भी, सेल्टोस पे भी, एलिवेट भी आ गई है भाई, काफ़ी सेगमेंट पे गाड़ी आ गई है, लेकिन मैं उन पे क्यों नहीं गया? देखो कहीं ना कहीं थोड़ी महंगी पड़ रही थी, और इसका बेस वेरिएंट इतना बढ़िया है, इतना भाई वैल्यू फॉर मनी है, और जो चीज़ वैल्यू फॉर मनी मिले तो उसको उठाने में क्या दिक्कत है ना भाई। आपको मैं बारी बारी इसके फीचर गिनाता जाता हूँ, उसमें फीचर क्या क्या है, ठीक है। तो भाई इसमें देखो बेस वेरिएंट से इसमें DRL दे रखी है, इसमें प्रोजेक्टर भाई हेलोजन आ जाते हैं, देखो इसमें प्रोजेक्टर आ रहे हैं, इसमें LED लगाती है, काफी इसका थ्रो अच्छा हो जाएगा, वैसे भी इसका काफी अच्छा थ्रो है हेलोजन में भी, लेकिन कोई बात नहीं। और इसमें पूरी भाई पियानो ग्रिल आ जाती है, ठीक है, तो पियानो ग्रिल आ रही है, और यहाँ पे बड़ा सा क्रोम भाई, मैं बताऊँ बेस मॉडल में और टॉप मॉडल में सामने से कोई फर्क ही नहीं है, बस इन दोनों का ये ग्लॉस आ जाता है और LED आ जाता है। हाँ इसमें बस फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं आते और पीछे आ जाते हैं भाई, देख लिया आपने सामने का लुक, ठीक है। अब आपको दिखाऊँ इसका साइड का लुक, ठीक है। तो साइड में भाई इसमें टायर का भाई साइज है, इसमें अपोलो का टायर दिया रखा भाई इसमें, और इसमें कितने की प्रोफाइल 215/60R17। तो भाई टॉप मॉडल में भी 17 इंच का ही आता है, और इसमें भी 17 इंच का है, इसमें बस एक LOV लगाओ भाई बाहर से टॉप मॉडल लगेगी, ठीक है। तो साइड में क्लैडिंग यार मैट में दे रखी है, ग्लॉस ब्लैक में नहीं है, ग्लॉस ब्लैक में होती है, टॉप मॉडल में आती है, वो काफ़ी अच्छा फील देती है, ठीक है। तो अपनी नई गाड़ी के रिबन विबन बड़ी लगते हैं, और इसमें भाई कोई वाइपर नहीं आता क्योंकि ये बेस मॉडल, लेकिन हाँ डिफोगर जरूर आ रहा है भाई, इसमें डिफोगर आ रहा है, गंदी हो रही भाई थोड़ी गाड़ी तो डिफोगर जरूर आ रहा है। और इसमें भाई बेस मॉडल से ही इसकी जो कनेक्टिंग टेल लाइट है वो पूरी ग्लो करती है, और कोई दूसरी कंपनी में जो भाई कनेक्टिंग टेल लाइट दे रहे हैं
वो कोई भाई जलती नहीं रात में, लेकिन इसमें बेस मॉडल से ही जलती है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और इसका भाई एक स्मार्ट हाइब्रिड का ये लोगो, स्मार्ट हाइब्रिड भाई तुम्हें पता ही है, इसमें एक छोटी सी बैटरी लगाई गई है जो सीट के नीचे है, ठीक है। बड़ी बैटरी तो भाई बूट के अंदर आती है, वो हमने नहीं ली, वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आ जाता है अपना, ये स्मार्ट हाइब्रिड है, ठीक है। तो साइड में भाई यही है, साइड का दोनों का सिस्टम यही था। और इसके भाई दोनों जो आयर वीएम है ना, वो दोनों एडजस्टेबल है, सॉरी इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हो और फोल्ड भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और ये रहे भाई अपने नॉर्मल से वाइपर, ये तो छोटी मोटी चीज़ है। तो भाई कोई चीज़ कुछ चीज़ भूल रहा हूँ इसमें बताना तो मुझे भाई कमेंट में ज़रूर बताना, अगली बार ज़रूर बताऊँगा। अब चलता है भाई इस गाड़ी के अंदर, अब गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ इसमें क्या है, ठीक है। इसमें ऐसी कुछ चाबी आ जाती है जो अपने टॉप मॉडल में सारी मारुति की चाबी दे रही है, और भाई मारुति अपनी हर गाड़ी में ये चाबी दे रही है, यानी क्या कॉस्ट कटिंग करते क्या नहीं करते। थोड़ी इतनी महंगी गाड़ी कोई बंदा लेगा, अगर इसका टॉप मॉडल भी लेगा तो उसको भी यही बेसिक सी चाबी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं यार इनको कॉस्ट कटिंग करी है इन लोगों ने, इस चीज़ को भाई सुधारो भाई, अगर कोई देख रहा है मारुति से, ठीक है, अपनी चाबी में चेंज लाओ, ठीक है। काफ़ी अच्छी लगती है अगर किसी गाड़ी की टॉप मॉडल की चाबी और बेस मॉडल की चाबी, तो फ़र्क आना चाहिए, ठीक है भाई। तो इसमें भाई रिक्वेस्ट सेंसर आ रहा है, जिसको आप टैप करते ही ये गाड़ी हो जाएगी अपनी अनलॉक और आप इसके अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें भाई मैं अंदर इसको चाबी को अंदर रख दूँ एक बार पहले, तो इसमें भाई बेस मॉडल से ही इसका सीट एडजस्टेबल का फ़र्क आ रहा है, तो जो सीट को आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हो ऊपर या नीचे, जैसे आपकी हाइट है अपने हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और भाई इसमें सबसे बढ़िया चीज़, इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का भाई ऑप्शन मिल जाता है, ये देखो जरा, अंदर बाहर और ऊपर नीचे आप दोनों तरफ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आ गया भाई अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ठीक है। और जो MID है वो भी बिल्कुल टॉप मॉडल वाली है, जो भाई स्मार्ट हाइब्रिड में टॉप मॉडल आता है उसमें भी यही MID है, और जो बेस मॉडल है उसमें भी यही MID है। और इसमें भाई ये है अपना ऑटोमेटिक AC, और भाई ये रहा चार्जिंग का कोई सॉकेट, और ये ट्रैक्शन का बटन, ये ऑटो ऑन ऑफ का, और उसका गेन है थोड़ा सा बेसिक साइज को चेंज करा देंगे भाई, ठीक है। और अपना ये आर्मरेस्ट, वो भी स्लाइडेबल वाला, और इसके अंदर भाई स्पेस है अच्छी खासी, ठीक है। तो और तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और तीनों की भाई सीट बेल्ट भी है, यहाँ भी सीट बेल्ट है, और सीट बेल्ट को अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखो जैसी जिसकी हाइट है। तो भाई इसमें फीचर बेस मॉडल के हिसाब से काफ़ी दे रखे हैं, और इसका यार ये देखिए, इसमें भी भाई मिरर दे रखा है भाई आप लोगों को, और इसमें भी मिरर दे रखा है, तो पैसेंजर और ड्राइवर साइड दोनों में मिरर दे रखा है, जो काफ़ी कम कंपनियाँ देती हैं। और ये नॉर्मल सा अपना मिरर है, इसमें कोई ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा आपको, और स्टीरो नहीं मिलेगा भाई इसमें, और लेकिन आपको स्टीयरिंग व्हील पे इसके कंट्रोल जरूर मिल जाएंगे भाई स्टीरो के। और इसमें आगे दो स्पीकर जरूर है भाई, इसमें दिख रहे होंगे शायद आपको, नहीं दिख रहे होंगे तो वहाँ पे स्पीकर भी दे रखे हैं। तो भाई ये कंपनी भाई बहुत कम देती है, और ये दो अपने ग्लास होल्डर और ये थोड़ी स्पेस रखने की। तो भाई यही था इसका आगे का लुक, अब चलते हैं भाई इसके पीछे प्रोफाइल पे, पीछे क्या सीन है इसमें। और हाँ ये चीज रह गई इसमें भाई, आपको रुको इग्निशन ऑन करूँ एक बार, हो गया ऑन भाई, देखो पूरा डिजिटल है, बढ़िया लग रहा है। तो इसमें भाई आपको फोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, मैं कह रहा फोल्ड हो गए, और आप इससे इनको एडजस्ट भी कर सकते हो घुमा कर, राइट को करोगे तो राइट को घूम लग जाएगा, देख रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है। सिर्फ ड्राइवर की ऑटो डाउन है, और चारों पावर विंडो है, और ड्राइवर की एंटी पिंच है, ठीक है। एंटी पिंच अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने पूरी नीचे करा, ठीक है, अब मैं इसको ऊपर करके अपना हाथ यहाँ ले आऊँगा, देखो ये अपना आप नीचे हो गया। तो ये एंटी पिंच का इसमें फीचर भी आ जाता है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब गाड़ी को ज़रा करते हैं थोड़ा सा ऑफ, अब चलते हैं इसके पीछे, ठीक है। तो पीछे भाई आपको सीट में तीनों के एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो भाई कंपनियां बहुत कम देती हैं। और ये जो सीट है ना, इसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं हल्का सा, लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्का सा रिक्लाइन है, हल्का सा पीछे कर लो, ये थोड़ा आगे से बैठना, हल्का सा इसका आगे कर लो, जो कि वो भी टॉप मॉडल वाले फीचर होते हैं। और इसमें भाई मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है, और ये रहा अपना आर्मरेस्ट बीच का, तो ये तो दे देती है कंपनी भाई, ठीक है। और ये रहा भाई इसका भी, और इसका बूट भी काफ़ी सही है, और पीछे इसका AC वेंट दे रखे हैं, चार्जर कोई दे नहीं रखा इसमें। तो स्पेस भाई मैं आपको स्पेस बताऊं, मैंने अपने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी आगे की, मेरे पे नी रूम देखो भाई, नी रूम तब भी कितना बच रहा है, नी रूम अब भी काफ़ी अच्छा बच रहा है, ठीक है भाई। आपने देख लिया पीछे का लुक, अब चलते हैं भाई थोड़ा पीछे, अब इसका भाई बूट चेक करते हैं। तो इसका बूट भाई खोलते ही इसका हाइड्रोलिक है अपना ऊपर चला जाता है, और भाई इसका बूट ना काफ़ी हैवी फील होता है अपनी और मारुति की गाड़ी के हिसाब से, यह हेलमेट पड़ा हुआ है इसमें। और इसमें भाई 300 कुछ का लीटर का स्पेस आ रहा है इसमें, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन भाई काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है इसमें, प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा है इसमें, काफ़ी बड़े बड़े बैग हर चीज़ सब आ जाएगा इसमें। और ज़रा इसका इसी खोलते हैं, इसमें स्पेयर व्हील कितने इंच का है, तो भाई स्पेयर व्हील दिखाऊँ आपको भाई, स्पेयर व्हील भी 17 इंच का दे रखा है भाई, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, और अपने सारे टायर खोलने के लिए कभी कुछ हो जाए तो, और जहाँ थोड़ी स्पेस दे रखी है, कोई बूट लाइट नहीं दे रखी, क्योंकि बेस मॉडल है जैसे आपको पता ही है। तो उसको करते हैं बंद, और भाई इसमें ना कोई भी आराम से आ जाएगा फिट, तो भाई ये चीज़ बढ़िया चीज़ है। तो
और कुछ छूट रहा हो भाई कमेंट में जरूर बताना मुझे, ठीक है। अमित जल्दी आ जा भाई, लग रहा हूँ ना सलमान खान। तो यार बूट का कुछ रिव्यू दो यार तुम। देख मैं देता हूँ रिव्यू, सबसे बड़ा इससे बड़ा रिव्यू कुछ नहीं हो सकता भाई। अगर मैं हरिद्वार जा रहा हूँ तेरी गाड़ी में और मैं यहाँ लेट के जा पा रहा हूँ, तो इससे बड़ा बूट क्या चाहिए होगा भाई। 110 किलो का आदमी है, डिग्गी में फिट है। कितनी हाइट है? 6'2" 6'2" का आदमी भाई इसमें बूट में बैठ गया, देख रहे हो? बैठ गया, लेट भी जाऊंगा मैं, बंद भी कर दूंगा तो हो जाएगा ना दिक्कत। देखो भाई बंद करके देखते हैं, चलो बंद होगी भाई बूट, दिख नहीं रहा होगा आपको। छोड़ चले जाऊं मैं, ऐसे चले जाऊं खोल रहा भाई, खोल रहा हूँ भाई। वो फिरौती के भाई ने बकाया था 12 लाख रुपए मांगे। तो आपने इसके बूट की प्रैक्टिकलिटी देख लिया, आपने 6 फुट से ज्यादा ही हाइट है भाई तेरी। 6'2" है, 6'2" है, ठीक है। तो भाई वो बंदा इसमें लेट रहा है, तो भाई ये बूट का आपको पता ही है प्रैक्टिकल बूट है, ये नहीं कि भाई पेपर फिगर्स पे जा रहे हैं कि हाँ छोटी बूट है, लेकिन प्रैक्टिकल बूट है इसकी, ठीक है। हर्षुल गाड़ी चला रहा है, तो हर्षुल कह रहा है कि तेरे को जन्नत लगता होगा इस गाड़ी में आती है भाई। वो तो लगता ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो वैगनआर से कोई भी स्विच करेगा, मैं स्विफ्ट में स्विच हुआ, हाँ, तो भाई मुझे लगता था भाई किसमें आ गया स्विफ्ट, अलग ही तरह की गाड़ी होगी ये, पार पार का सिस्टम इसमें, ऐसा तो फील आ रहा था, बोनट का पूरा व्यू दिख रहा है इसमें और मजा आता है। ये तो कुछ ज्यादा ऊपर रखी सीट, जाता रहूं ज्यादा उधर चलाता है। ये देखो भाई यहाँ से कुछ ज्यादा सीट ऊपर हो रखी, ये देखो पूरा का पूरा बोनट दिख रहा है। तो भाई मजा है इस गाड़ी, स्मूथ है गाड़ी चलाने में बहुत। और इसका भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस का मैं अलग वीडियो लाऊंगा पूरी स्पेसिफिक, अभी थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं कि किस हिसाब से है, कि स्पेसिफिक ड्राइविंग के अलग वीडियो लाऊंगा कि कैसा भाई इसका इंजन परफॉर्मेंस और क्या माइलेज है। अभी तो माइलेज भाई देख लो 11.6 की दे रही है, क्योंकि अभी लोकल में चल रही है, कहीं चल रही है भाई बाहर। अरे दिखाती है, हाँ दिखा का देरी होगी पता नहीं, लेकिन अभी नई नई गाड़ी कुछ नहीं कह सकते ना अभी। एक सर्विस ऐसी दिखाती है, तो तेरी तो सिर्फ पुरानी है, वो सर्विस किसके बाद पता पड़ेगा। अच्छा वो चीज कह रहा हूँ। चलो भाई अब जरा वीडियो एंड करते हैं, ये थी आज की वीडियो, पसीने भी आ गए क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा हो रही है, ठीक है। आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और भाई कुछ रह रहा होगा मेरे से क्या छूट गया हो आप जरूर बताना कमेंट में, कुछ छूट गया हो इस गाड़ी के बारे में जिसको ज्यादा पता हो तो वो जरूर बता देना, वो चीज़ मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई चैनल बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।